बजरंग टीवी, कहानी पुराणों की, ज्योति आस्था की। हरि ओम नारायण हरि। और जब समुद्र मंथन पुनः आरंभ हुआ तो वारुणी सुरा के साथ प्रकट हुई। ये सुरा हमें ही मिलनी चाहिए। हमें मिलनी चाहिए। सुरा के सुगंध मात्र से ही असुरों की वृत्ति जागृत हो उठी और वो उसे प्राप्त करने के लिए तत्क्षण ललायित हो उठे। माता, सुरा अर्थात मदिरा। हाँ हनुमान, सुरापान मनुष्य की दुष्वृत्तियों को जागृत कर देती है। ये पंच महापाप में से एक है। मनुष्य के जीवन की सुख शांति ही नहीं, उनके जीवन का विनाश का कारण भी होती है सुरापान। इसीलिए कभी भी सुरापान नहीं करना चाहिए। शांत। ये सुरा हमारा लक्ष्य नहीं है। नहीं दैत्यराज बलि, ये समुद्र मंथन से क्लांत हमारी देह को स्फूर्ति से भर देगी। हाँ हाँ असुरो, ये आप लीजिए। सुरा देखते ही आसुरी वृत्ति जाग उठी है इन असुरों की। बस बहुत हो गया। ये सुरा पान करके आपस में ही लड़कर मरना है या फिर अमृत पीकर अमर होना है। इस विनाशकारी सुरा की मांग मत करो, हमें अमृत मांगना है और कुछ नहीं। जिससे कि जब अमृत उत्पन्न हो और हम उसकी मांग करें तो ये देवता विवश हो जाएं हमें अमृत प्रदान करने को। स्मरण रहे, हमें अमृत चाहिए और कुछ नहीं। किंतु दैत्यराज, सुरा ही नहीं और भी अनेक बहुमूल्य वस्तुएं, क्या हम देवताओं को ही दे देंगे? मूर्ख हो तुम सब। यदि अमृत मिला तो उसका पान करके तुम सब अमर हो जाओगे। उचित है महाराज, उचित है। आरंभ किया जाए। तो ये योजना थी दैत्यराज बलि के मन में, किंतु समुद्र मंथन मात्र अमृत के लिए ही हो रहा था और असुर सारा अमृत ले गए तो देवता तो। तावले मत हो हनुमान, प्रतीक्षा करो, कथा में अनेक रोचक मोड़ आने वाले हैं। वो दैत्यराज बलि के समझाने पर असुर मान गए और समुद्र मंथन से जो अन्य वस्तुएं निकली जिनकी देवताओं ने मांग की वो थी पारिजात वृक्ष, पुष्पों से युक्त जिसकी दिव्य आभा कभी क्षीण नहीं होती। उसे देवराज इंद्र ने मांग लिया जिसे वे स्वर्ग ले गए।
फिर उत्सर्जित हुआ सर्व कामना पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष। उसे भी देवता प्राप्त करके स्वर्ग ले गए। तत्पश्चात सुंदर अप्सराएं प्रकट हुई। असुरों का मन तो ललचाया, किंतु दैत्यराज बलि की बात को स्मरण करके वे पीछे हट गए। इस प्रकार अप्सराएं भी देवताओं को प्राप्त हो गईं। ले जाओ तुम देवताओं इन्हें भी। आरंभ किया जाए। अप्सराओं के पश्चात इंद्रदेव का ऐरावत हाथी निकला, जिसे ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण इंद्रदेव ने खो दिया था। वो पुनः इंद्रदेव को प्राप्त होकर स्वर्ग चला गया। उसके पश्चात दिव्य अश्व उच्चे श्रवा समुद्र से निकला। असुरों का धैर्य टूटता जा रहा था। हाँ, ये हमें मिलना ही चाहिए। असुरों को धैर्य खोता देख इंद्रदेव ने वो अश्व दैत्यराज बलि को प्रदान कर दिया। इंद्र, ये अश्व हमें मिलना ही चाहिए। आरंभ करो। जो जो वस्तुएं समुद्र से उत्सर्जित हुई थी वो मात्र सारे देवता एवं असुरों को ही प्राप्त हुई थी। ऐसा नहीं है हनुमान, इसके पश्चात जो उत्सर्जित हुआ वो प्रभु भोलेनाथ को प्राप्त हुआ। हरिओम नारायण हरि। दैत्यराज बलि, अकस्मात ही इतने घनघोर मेघ गिर आए हैं। देवराज, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। न जाने क्या होने वाला है। चंद्रमा, चंद्रमा, ये समुद्र में ऊंची उठती लहरें चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव है। दैत्यराज बलि, देवराज, लहरें कितनी भी ऊंची हो हम समुद्र मंथन नहीं रोकेंगे। चंद्रमा के स्थित रहने से लहरों की विषमता बढ़ती जा रही है। समुद्र मंथन असंभव है दैत्यराज। चाहे कुछ भी हो जाए,
जब तक अमृत की प्राप्ति नहीं होती हम मंथन नहीं रोक सकते। आरंभ करो। दैत्यराज बलि, स्थिति बहुत विकट उत्पन्न हो गई है। देवों और असुरों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तब उनकी समस्या का समाधान सुझाया गुरुमावतार प्रभु विष्णु देव ने। रक्षा कीजिए महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। महादेव प्रणाम। भोलेनाथ, नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ महादेव प्रणाम। महादेव, अपने भक्तों के संकट को दूर करने के लिए आप आ गए प्रभु, यह आपकी महानता है महादेव। प्रभु श्री नारायण के कुर्म अवतार ने मुझे स्मरण किया तो मुझे आना ही था। प्रणाम जगत पालक श्री हरि विष्णुदेव। प्रणाम देवाधिदेव महादेव। चंद्र गुरुत्वा ज्वार उठायो मंथन काज पे संकट छायो। तब हुकुरमा युक्ति लगाई भोले टारो विपत्ति आई। चंद्र जटा में धारे शंभु खुल गए मेघ विनय हुआ अंबु। शिव अब चंद्र शेखर धरि नामा देव करे जयकार प्रणामा। चंद्र शेखर महादेव की जय। 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 अच्छा, तो इस प्रकार भोले बाबा ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया और प्रभु चंद्रशेखर कहलाए थे। हाँ, उनके ऐसा करने से ही पुनः समुद्र मंथन संभव हुआ और तब समुद्र के गर्भ से जिसका उत्सर्जन हुआ उनकी कृपा प्राप्त करना सब चाहते हैं, फिर वो देव हो दानव हो या मानव। जय श्री कुर्मावतार विष्णुदेव। हरि ओम नारायण हरि। हरि ओम नारायण हरि। अब किसका उत्सर्जन होने जा रहा है? ऐसा सौंदर्य सुंदरी तो हमें मिलनी ही चाहिए। हाँ, ये सुंदरी तो हमें मिलनी ही चाहिए।
श्री और समृद्धि प्रदाता देवी लक्ष्मी को प्रणाम। प्रणाम देवी लक्ष्मी। प्रणाम देवी लक्ष्मी। हमें पुनः श्री संपन्न करने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम देवी। इनके तो इंगित मात्र से ही ये श्रीहीन देवता पुनः श्री संपन्न हो गए हैं। धन की देवी है ये देवी लक्ष्मी है, ये तो हमें मिलनी ही चाहिए। अभी तक हम असुरों ने किसी चीज की मांग नहीं की है, किंतु हम इनकी मांग करते हैं और सबको हम असुरों की यह बात माननी पड़ेगी। धन संपदा के लालच में तुम सबको मति मंद कर दिया है। यदि आप नहीं चाहते तो आप इनकी मांग मत कीजिए दैत्यराज बलि, किंतु मुझ राहु को जीवन भर इनका दास बने रहना स्वीकार है। नहीं राहु, मैं तो विवाह करूंगा इससे, पटरानी बनाऊंगा इसे। बस दैत्यराज बलि, अपने असुरों को बता दीजिए कि ये देवी लक्ष्मी है प्रभु श्री नारायण की अर्धांगिनी, इनके प्रति सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा है हमें। ये कोई भी हो परंतु हमारे परिश्रम से इनका आविर्भाव हुआ है। हाँ, मिलना ही चाहिए। हाँ, मिलना ही चाहिए। करेंगे, कोई अन्य नहीं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। जैसा करने का प्रयास भी करेगा उसका अंत कर देंगे हम। आगे बढ़ने का प्रयास मत करो, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। हट जाओ। विनाश कर देंगे, हम ही प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ने का प्रयास मत करो, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। माता, माता लक्ष्मी जी के प्रति ऐसी दुर्भावना कैसे उत्पन्न हो गई असुरों के मन में? यही है असुरी वृत्ति पुत्र हनुमान। जिनके मन दूषित होते हैं उन्हें मात्र अपना स्वार्थ दिखाई देता है, वो ये भी नहीं समझते कि कौन माँ बहन पुत्री समान है। ऐसी वृत्ति वाले मनुष्य स्वयं ही अपने विनाश का मार्ग खोल देते हैं। सत्य है माता, यदि असुर भी देवताओं की ही भांति माता लक्ष्मी जी को पुत्र भाव से प्रणाम करते तो वो भी माता लक्ष्मी जी की कृपा के भागी होते। हाँ हनुमान, क्योंकि प्रणाम करने वाला स्वयं ही आशीर्वाद का अधिकारी बन जाता है। फिर चाहे वो अपने शत्रु को प्रणाम करे या अपने हितैषी को। असुरों ने देवी लक्ष्मी को प्रणाम करने के स्थान पर दूषित दृष्टि से देखकर पाप किया था। ऐसा ही महापाप भविष्य में लंकेश रावण करेगा और उसके पाप कृत्य का परिणाम होगा उसका विनाश। लंकेश रावण? माता, ये नाम तो हनुमान को सुना प्रतीत हो रहा है। हनुमान, अभी तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है पुत्र, किंतु चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें सब स्मरण हो जाएगा। परंतु अभी अनियंत्रित असुरों को नियंत्रण करना अवश्य था। माता, यदि मैं वहाँ होता तो उसी क्षण उन पापी असुरों को दंड दे देता। तनिक सा भी ये नहीं सोचता कि उन मायावी असुरों के समक्ष हनुमान एक साधारण वानर बालक है। तुम्हारी भावना में समझती हूँ पुत्र। विधि का विधान है, जैसी करनी
वैसी भरनी। पाप कर्म का दंड सबको किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ता है, किंतु ईश्वर पापी को तभी दंडित करते हैं जब उसके पापों का घड़ा भर जाता है। इसीलिए देवी लक्ष्मी जी शांत रही, उन्हें प्रतीक्षा थी मात्र अपने स्वामी प्रभु श्री नारायण की। देवी लक्ष्मी हमारी है और हम इन्हें प्राप्त कर ही रहेंगे। अगर इनके लिए युद्ध भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। अपने विनाश को आमंत्रण मत दो असुरों, अन्यथा तुम सबको भुगतना होगा। देवराज इंद्र देवराज बलि के होते हुए असुरों का कोई अहित नहीं कर सकता। इनकी देवी लक्ष्मी को प्राप्त करने की मांग कोई अनुचित नहीं है। समुद्र मंथन से जो भी निकल रहा है वो मात्र देवताओं का नहीं है, असुरों का भी अधिकार है उस पर। हम असुरों का भी अधिकार है सब पर। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। शांत हो जाइए आप सब, शांत हो जाइए। कन्या कोई भेंट की वस्तु नहीं है जिस पर कोई भी अपना अधिकार जताने लगे। ये अधिकार तो कन्या का होता है कि वो किसे वरण करे। आप असुर मेरा वरण करना चाहते हैं, किंतु ये सत्य सर्वविदित है कि मैं श्री हरि विष्णु देव की अर्धांगिनी। और मैं आज उन्हीं के लिए यहाँ आई। यदि आप विष्णु देव के लिए आई हैं, तो विष्णु देव है कहाँ? अतः उचित होगा कि आप हम में से किसी का वरण कर लें। देवराज, यह असुर माता लक्ष्मी और प्रभु नारायण के प्रति ऐसे प्रश्न कैसे कर सकते हैं? हम सब समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं। अगर वरण करना है तो हमारा कीजिए देवी। आपको इच्छा अनुसार वरण करने का अधिकार देते हैं। हम में से किसी एक को चुन लीजिए। जो यहाँ उपस्थिति नहीं है उसका वरण कैसे कर सकती है आप? मुझे विश्वास है मेरे स्वामी विष्णु देव यही है। किंतु यहाँ विष्णु देव है कहाँ? होते तो हमें दिखाई देते, परंतु यहाँ तो मात्र कुर्म है जिसे सभी देवता विष्णु का अवतार मान रहे हैं। स्वामी श्री हरि के कुर्मावतार को प्रणाम। देवता जो मान रहे हैं वो सत्य है। इनकी उपस्थिति का अर्थ है कि मेरे स्वामी श्री हरि विष्णुदेव यही उपस्थित हैं। तो क्या आप हम महाबली असुरों को छोड़कर इस कुर्म अवतार विष्णु का वरण करेंगी? बताइए। ये असुर देवी लक्ष्मी के साथ अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं स्वामी। विष्णुदेव की प्रतीक्षा करके आप समय व्यर्थ में नष्ट कर रही हैं। आपके समक्ष एक से बढ़कर एक महाबली योद्धा माँ ऐश्वर्यशाली असुर उपस्थित हैं। वरण कर लीजिए किसी भी असुर का। स्वामी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? ये प्रतीक्षा की घड़ियां असह्य होती जा रही है। मैं यहाँ आ गई, अब आप भी आ जाइए श्री हरि नारायण। Thank you.
देवेश्वरी प्रणाम। श्री हरि। आप अचानक यहां? देवी लक्ष्मी उपस्थित हो चुकी है, फिर आप उन्हें इतनी प्रतीक्षा क्यों करा रहे हैं? उन्होंने भी तो मुझे बहुत प्रतीक्षा कराई है देवेश्वरी। श्रीहरि, ये बालकों की भांति हट है आपका या कोई लीला? आप जो चाहे समझ लीजिए देवी। अच्छा, तो एक बहन के हट से आपका परिचय नहीं हुआ है। आपको स्मरण है ना, मेरे विवाह में भ्राता की सभी रीतियां आपने निभाई थी। तो ये आपकी बहन पार्वती आपको हटात भी देवी लक्ष्मी के समक्ष ले जा सकती है। तो आप चल रहे हैं भ्राता विष्णुदेव या मैं? अच्छा अच्छा, चलता हूं। सत्य तो ये है कि मैं अपनी बहन देवेश्वरी की ही प्रतीक्षा कर रहा था। बिना बहन के भाई कैसे जा सकता है विवाह के लिए? स्वामी, क्यों प्रतीक्षा करा रहे हैं मुझे? मत कीजिए प्रतीक्षा, विष्णुदेव नहीं। प्रभु, मेरे स्वामी, प्रणाम। लक्ष्मी को लाने में हमने श्रम किया है, विष्णुदेव कैसे ले जा सकते हैं इन्हें? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। हाँ, मुझे चाहिए। शांत, शांत। क्या हुआ, कहाँ खो गई बहन लक्ष्मी? आपके स्वामी आपके समक्ष हैं। अलौकिक मंगल बेला होत पुनः लक्ष्मी हरि मेला। विष्णु कमला दो मुदिता, देव ब्रह्मा शिव सब हर्षिता। वरमाला जब डारी परस्पर, बरसाए सब पुष्प युगल पर। व्यापत है कण कण में उल्लासा, आई पुनः करवे श्रीवासा। कैसा अद्भुत एवं मनोरम होगा वो दृश्य, प्रभु श्री हरि नारायण का विवाह माता लक्ष्मी के साथ। भोले बाबा तथा समस्त देवगण एवं देवियां भी उपस्थित। माता, कितने भाग्यशाली होंगे वो जो इस सुनहरे पल के साक्षी होंगे। माता,
कितना असीम आनंद का सुख प्राप्त हुआ होगा जब माता पार्वती जी ने अपने भ्राता श्री हरि नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का मिलन करवाया होगा। सत्य हनुमान, बिछड़े परिजनों को मिलाने के आनंद की तो कोई कल्पना ही नहीं होती। ऐसे मिलन के परम आनंद का अनुभव तुम्हें भी होगा हनुमान, जब भविष्य में तुम भी इनका मिलन कराओगे। फिर क्या हुआ माता? देवी लक्ष्मी के आने से देवता पुनः श्री संपन्न होकर नई ऊर्जा से भर उठे। पुनः सागर मंथन तीव्र गति से प्रारंभ हो गया। फिर वो क्षण आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा देव एवं दानव दोनों समुदाय बड़ी व्यग्रता से कर रहे थे। जय श्री हरि विष्णुदेव, जय श्री हरि विष्णुदेव। धन्वंतरी देव आयुर्वेद के साथ। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और कर्मानुसार ही ईश्वर फल देते हैं।